भीषण सिरदर्द की बीमारी माइग्रेन आज एक आम समस्या बन चुकी है। इस बीमारी की मुख्य वजह है तनाव, डिप्रेशन, बिगड़ता लाइफस्टाइल और गलत खानपान। माइग्रेन का अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव और थोड़ी सी प्रिकॉशंस पर ध्यान दिया जाए तो आपको कभी भी माइग्रेन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं एक बीमारी जिसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन यानी सिरदर्द, संस्कृत भाषा में इसे शिरह शूल भी कहते हैं। शिरह मतलब शरीर का उत्तम अंग, शरीर का ब्रेन, जिसको सारे कंट्रोल टावर भी कहा जाता है पूरे शरीर का। उसको बहुत सारा स्ट्रेस झेलना पड़ता है क्योंकि सारे डिसीजन उसी को लेने होते हैं। माइग्रेन की बहुत सारी वजह हैं। अगर आप रात्रि देर से सोए हैं, अगर आपने कल रात्रि बहुत ज़्यादा शराब पी है, अगर आपने बहुत ज़्यादा चॉकलेट जैसी कोई कड़वी चीज़ें खाई हैं, या बहुत गरिष्ठ भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई या वसा वाली चीज़ें थी, या बहुत मसाले वाला निरामिष भोजन आपने किया है, नॉन वेजिटेरियन बहुत सारा खाया था, उसकी वजह से भी अगले दिन आपको माइग्रेन हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको सरदर्द हो सकता है। माइग्रेन के रोगी को एक बात ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक मत सुनिए जो आपको तनाव दूर नकल की बल्कि बढ़ा दे। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संध्याओं में आप जाइए और माइल्ड म्यूजिक सुनिए जो कि आपके मन को और आत्मा को शांति और सुकून दे सके। माइग्रेन के रोगियों को हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। याद रखिए नॉर्मल मात्रा में भी हम 6 से 8 गिलास पानी तो हमें रोज पीना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको माइग्रेन की शिकायत बार बार रहती है, आपको बहुत तली चीज़ें नहीं खानी है, बासी चीज़ें नहीं खानी है, खट्टे फल नहीं खाना है, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, चॉकलेट्स, इन सब का परहेज करना है, एंड ईट 75% ऑफ योर एपेटाइट। दोस्तों जितनी की आपको भूख है उसका केवल 75% खाइए। इसके अलावा रात्रि सोते समय आप सर में तिल का तेल लगाइए और नाक में भी तिल के तेल को आप डाल सकते हैं। 4 से 6 बूंदें ईच नॉस्ट्रिल में सुबह और शाम, दिन में 2 बार अगर डालेंगे, इससे भी आपको माइग्रेन में बहुत लाभ होगा। और माइग्रेन अगर बार बार होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाएगी और अंततः खत्म हो जाएगी। और यौगिक क्रियाओं में अगर आप योगाभ्यास रेगुलर करते हैं, अनुलोम विलोम नाम का प्राणायाम अगर आप करेंगे, और दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, इसका भी अगर आप रेगुलरली करेंगे लगभग 5 से 7 बार सुबह शाम, तो इन दोनों व्यायामों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा आप सभी को व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए यानी ध्यान लगाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे आपका माइग्रेन ठीक रहेगा और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो गया और अब आपको ये प्रभावित नहीं करता। दोस्तों इसके लिए आपको साउंड स्लीप आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आपको माइग्रेन की शिकायत शुरू हो या लगता हो कि उसके और नींद ना आती हो रात्रि ठीक से, तो आपको अपने तलवों में तिल के तेल की मालिश करना चाहिए। पहले अपने पांव धो लीजिए, फिर तौलिए से रगड़ कर उनको साफ कीजिए, सुखा लीजिए, और उसके बाद तिल के तेल की एक पतली कोटिंग ऑन द सोल ऑफ योर फुट अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे और उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उससे आपको साउंड स्लीप आएगी, जिससे नेक्स्ट डे आप सुबह फ्रेश उठेंगे और आपको माइग्रेन और ज़्यादा तंग नहीं करेगा। माइग्रेन की एक और बहुत बड़ी वजह कई बार हो सकती है टीवी की बीमारी। दोस्तों मैंने टीवी शब्द नहीं कहा, टीवी शब्द कह रहा हूँ, टेलीविजन यानी इडियट बॉक्स। आप बहुत ज़्यादा टेलीविजन जब देखेंगे या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के आगे आप टाइम देंगे तो क्या होने लगा है, हम 2 घंटे टीवी देख रहे हैं तो 2 घंटे कंप्यूटर भी देख रहे हैं। कायदे से हमें 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठना ही नहीं चाहिए। अगर हम 4 घंटे या उससे ज़्यादा रेगुलर अपना टाइम सिर्फ टीवी और कंप्यूटर के आगे बता रहे हैं और उनसे आने वाली रेज, उनसे आने वाला स्ट्रेस, वो भी माइग्रेन को पैदा करता है। देर रात तक पढ़ने से, उल्टे लेट कर पढ़ने से और बिना प्रॉपर रोशनी के पढ़ने से, हमें ये ना पता हो कि रोशनी किस दिशा से आनी चाहिए, कम रोशनी है उसमें पढ़ने से भी आपको माइग्रेन हेडेक्स जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इसके लिए 2 और शास्त्रीय नुस्खे बताना चाहूँगा आपको। आयुर्वेद के अनुभूत नुस्खे हैं, 1000 साल से प्रयोगित किए हुए हैं। उनमें एक है षड बिंदु तेल।
षड का मतलब है छह और बिंदु का मतलब ड्रॉप्स। अगर षडबिंदु तेल नाम के शास्त्रीय योग का तेल जो अनेक जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, कई महर्षियों ने इसको हजारों साल इस पर रिसर्च करके इसको बनाया है, 4 से 6 बूंदें अगर दोनों नॉस्ट्रिल्स में आप डालते हैं सुबह खाली पेट, आप शवासन में लेट जाइए, उसके बाद गर्दन को अपराइट पोजीशन में उठाइए और 45 डिग्री एंगल पर ड्रॉपर को रख करके आप मुंह खुला छोड़ दीजिए और नाक से इनहेल कीजिए और उसको अंदर जाने दीजिए। वो गले में जाकर के हल्का सा लगेगा लेकिन इससे आपको बहुत लाभ होगा और माइग्रेन या साइनसाइटिस जैसी चीज़ें या आधा सीसी का दर्द जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शीर्षासन कीजिए रेगुलर, प्राणायाम रेगुलरली कीजिए, योग कीजिए रेगुलरली, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन कीजिए, शाकाहारी रहिए और स्वस्थ आत्मा और मन और शरीर के लिए योग निद्रा का दोस्तों अभ्यास कीजिए। योग निद्रा से बहुत ही आपको इससे लाभ होगा, इसमें मन और आत्मा शांत और स्थिर रहेंगी। जब मन और आत्मा शांत और स्थिर हो जाएंगी आपको तनाव नहीं होगा, आपको तनाव नहीं होगा तो आपकी पेशेंस बढ़ जाएगी, आपकी अन्याय और न्याय को सहने की शक्ति और विजडम आपका बढ़ जाएगा तो कोई भी चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती, इससे आपको माइग्रेन नाम की बीमारी नहीं होगी।